gotta give him a red stick. This is the morning time. Good morning, everyone. और enjoy breakfast करने चलो. क्या ये? ये क्या है? अरे ये क्या? कमाल. यहीं नीचे में ही छोड़ दें। जब भी नीचे में आते हैं तभी जरूरत पड़ता है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग परिवार, गुड मॉर्निंग परिवार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डिड यू गाइस हैव ब्रेकफास्ट? But I didn't have breakfast. I only had to do. You guys had breakfast. I did not have breakfast. I only had to do. But I also want to have breakfast. I also want to have tea. I also want to have pancakes. But no, you will only give me to do. Only to do. परिवार, व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल परी एंटरटेनमेंट। और कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको लेके चलूंगी बाहर। अभी तो फिलहाल मैं जस्ट रेडी होके बाहर निकली हूँ। ये मैंने वापस से इसलिए पहना क्योंकि धूप बहुत है ना। तो अभी चलिए बाहर जाने का प्लान है, तो आपको सारी जगह घुमाऊंगी यहाँ पे विद सेफ्टी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बात कह रहे हैं, ये है मामला। ये है कॉटेजेस, फोर्ट अग्वाड़ा। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक लाइट हाउस है। ये काफी पुराना है, 1700 में ये बना था। चलिए आगे चलते हैं और आपको इसके बारे में और भी जानकारी दी जाएगी। चलिए का नाम अग्वाड़ा था, जिसका अर्थ है पानी का स्थान। ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा है दो खंडों में
निर्माण किया गया है इसका। इस किले के ऊपरी भाग को फोर्टा लेजा रियाल यानी शाही किले के रूप में, जबकि निचले किले को प्राका दा सांता कैथरीना के नाम से जाना जाता है। बाप रे, बड़े दिनों बाद हिंदी पढ़ी मैंने। लाइट हाउस है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया है, और हमने सोचा हम इसके ऊपर जाएं, पर जब हम दरवाजे पे पहुंचे तो हमने लिखा पाया एंट्री प्रोहिबिटेड, तो ऊपर तो हम नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पहले जमाने में कितने मजबूत और टिकाऊ बिल्डिंग बनती थी, इसका ये अग्वाड़ा फोर्ट एक जीता जागता उदाहरण है। और हमारे सिविल इंजीनियर्स और हमारे ठेकेदारों को ज़रूर इससे कुछ सबक लेना चाहिए कि किस तरह से एक अच्छी मजबूत टिकाऊ इमारत बनाई जाती है। तो यही है इस जगह ये फोर्ट। तो दोस्तों, यही है फोर्ट अग्वाड़ा, वो लाइट हाउस मैंने आपको दिखा दिया। और शायद इसको इसलिए बनाया गया था ताकि इससे निगरानी रखी जा सके, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है, तो अगर दूर से जहाज वहाज आ रहे होते तो उन सबको पहले से देख लिया जाता। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और यहाँ पे आप आकर अपनी फोटो खिंचा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है, या फिर बैठ के नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं वीडियो के साथ साथ नज़ारों का मज़ा भी ले रही हूँ, और थोड़ी सी हिस्ट्री की भी नॉलेज हो रही है मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाती हूँ आपको। एक पॉइंट है वहां से बहुत ही खूबसूरत लगता है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैं इसी पॉइंट की बात कर रही थी, ये देखिए कितना खूबसूरत है ना, यहाँ से पूरा कितनी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है सब कुछ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अमेजिंग यार, अमेजिंग व्यू सच में। ऊपर से बादल ऐसे लग रहे हैं सज गए हैं। ऐसे लग रहा है इस पूरे उसको सजा दिया है बादलों ने, इससे और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये रहा व्यू, कितना खूबसूरत नजारा है, बोला था ना मैंने आपको, बहुत खूबसूरत है। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे, मैंने मास्क इसलिए लगा लिया क्योंकि लोग दिखाई दे रहे हैं। अब सीटी बज रही है, मतलब है बंद होने का टाइम हो गया है, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही सीन है। वो कुछ एरियाज बंद है,
जैसे कि बाकी फोर्ट में होते हैं। तो अब निकल रहे हैं हम लोग और देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, बताती हूँ मैं आपको। चलिए फिर।